हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शमास डेली किचन। तो मैं आज लेकर आई हूँ रेसिपी जो कि विंटर स्पेशल रेसिपी है, मीठी मीठी हमारे प्यारे प्यारे तिल के लड्डू। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले लिया है मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी 4 बाउल तिल। फ्लेम बिल्कुल हम स्लो पे रखेंगे और 4 बाउल तिल मैंने ऐड कर दिया है। तो 3-4 मिनट में ही ये भुन जाएंगे और इसके भुनने की पहचान ये है कि जैसे ये तिल भुन जाते हैं वैसे ही ये पॉपअप होने लगते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो तिल को मैंने अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए स्पैचुला को, हमारे तिल रोस्ट हो गए थे, इसमें एक पॉपअप साउंड आ गई थी तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो ये हमारे भुन गए हैं तिल। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने गुड़ का पाउडर फॉर्म है उसे डाल दिया। ये 4 बाउल ही गुड़ है। तो इसे ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे पकाना है, इसे थोड़ा गाढ़ा करना है, हमें इसे ऐसा फॉर्म लाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो मैंने 1 बाउल पानी ले लिया था, इसमें ये गुड़ डाल के देखा था तो ये फ्लोट कर रहा था, तो यही पहचान है कि ये थोड़ा पक चुका है, ये गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी भुनी हुई तिल। तो मैंने पूरे तिल को अच्छे से ऐड कर दिया था, इसे हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर करके स्पैचुला से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो पर है और इसे हम धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स इसे कर दिया है। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही ये गुनगुना हो जाएगा, 1 बाउल पानी ले लिया है मैंने, उसमें अपने हाथों को डुबो लिया और इसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए लड्डू बनना स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे ही करते करते हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको और भी लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए पानी में मैंने हाथ डुबोया है। इसके बाद तिल को लेके अच्छे से हमें इसे लड्डू का फॉर्म देना है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके लड्डू बन जाएंगे। इसे एक प्लेट में आप रख सकते हैं, थोड़ी देर बाद ये हार्ड हो जाते हैं। तो ये देखिए सारे लड्डू बना लेंगे हम। तो ये देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी थे। ये हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और विंटर स्पेशल रेसिपी है। इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। करें, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल शमास डेली किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।